दोस्तों, पाइपिंग एंड मैकेनिकल ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं पाइप के बेसिक डिटेल के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जानकारी देने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो साथ साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, कभी कभी क्लाइंट पूछ लेता है, पाइप और ट्यूब में क्या अंतर है? व्हाट डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब? पाइप को इनसाइड डायमीटर और शेड्यूल नंबर से एक्सप्रेस करते हैं, जबकि ट्यूब को आउटसाइड डायमीटर से एक्सप्रेस करते हैं और एमएम या इंच में लिखते हैं। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं पाइप के बेसिक डिटेल के बारे में। दोस्तों, पाइप दो टाइप का होता है, सीमलेस पाइप एंड सीम पाइप। सीमलेस पाइप नॉन वेल्डिंग पाइप होता है, विदाउट वेल्डिंग का। इसका उपयोग मशीनिंग पार्ट, शाफ्ट, बियरिंग, सिलेंडर, हैमिंग स्ट्रेंथ, भारी शक्ति 7500 PSI में करते हैं। सीम पाइप वेल्डेड पाइप होता है, या दो टाइप का होता है, SAW एंड ERW या EFW। EFW इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग, ERW इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग या परमानेंट जॉइंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मेटल को पिघला कर किया जाता है। समज्ड आर्क वेल्डिंग कॉमन वेल्डिंग प्रोसेस होता है, जो इलेक्ट्रोड के द्वारा किया जाता है। समज आर्क वेल्डिंग दो टाइप का होता है, हेलकर आर स्पाइरल, जो इस प्रकार वेल्डेड पाइप होता है। स्ट्रेट समज आर्क वेल्डिंग दो टाइप का होता है, सिंगल सीम एंड डबल सीम। सिंगल सीम इस टाइप का पाइप होता है, इसमें एक वेल्डिंग होता है, और डबल सीम इसमें दो वेल्डिंग होता है, इस टाइप का होता है। पाइप साइज तीन टर्म होते हैं, आईडी मतलब इनसाइड डायमीटर, ओडी मतलब आउटसाइड डायमीटर, जो यहां से यहां तक होता है, डीएन, एनपीएस और एनबी, जो ओडी और आईडी के बीच में होता है। डीएन डायमीटर नॉमिनल, एनपीएस मतलब नॉमिनल पाइप साइज, एनबी मतलब नॉमिनल बोर। तो आइए जानते हैं एनपीएस, डीएन और एनबी के बारे में। पाइप साइज में दो मेथड में डिफाइन किया गया है। पहला मेथड एनपीएस, एनपीएस को इंच में लिखते हैं, जैसे 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, ऐसे एनपीएस साइज डिफाइन होता है। जबकि दूसरा मेथड डीएन या एनबी, डीएन या एनबी को मिलीमीटर या एमएम में लिखते हैं, जैसे पाइप साइज 4 इंच का है तो 100 mm आइडेंटिफाई होगा। एनपीएस में एक चीज ध्यान रखना है, एक इंच से लेकर 12 इंच तक देखोगे और उसका ओडी मापोगे तो उसी साइज का नहीं होगा। जैसे 1 इंच का पाइप का ओडी 1 इंच नहीं होगा, और 12 इंच के पाइप का ओडी 12 इंच नहीं होगा। 12 इंच के पाइप का ओडी थोड़ा ज्यादा होगा और आईडी थोड़ा कम होगा। तो ये एनपीएस में याद रखना है। और अगर पाइप साइज 14 इंच से अधिक हो जाता है तो उसका ओडी साइज के बराबर हो जाता है। जैसे 14 इंच हो गया, 16 इंच हो गया, 18, 20, जो भी, उसमें जो पाइप साइज 14 इंच, 16 इंच, 18 इंच, वही उसका आउटसाइड डायमीटर यानी ओडी होगा। इसमें एक और चीज ध्यान देना है, पाइप का जो ओडी होगा वो फिक्स होगा। पाइप का जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगा उसका आईडी कम कम होता जाएगा। पाइप थिकनेस पाइपिंग इंजीनियरिंग में अभ्यास के अनुसार फ्लूइड डिजाइनिंग, प्रेशर एंड टेम्परेचर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जो पाइप थिकनेस, यह है पाइप थिकनेस। थिकनेस को शेड्यूल नंबर से के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, जैसे शेड्यूल नंबर 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड 160। यदि हमें एक्स्ट्रा थिकनेस चाहिए तो उसको XS, XXS या स्टैंडर्ड से लिखते हैं। और स्टेनलेस स्टील SS में इसमें S लगा देते हैं, जैसे शेड्यूल नंबर 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 60 years, 80 years आदि।
पाइप एंड। पाइप एंड चार टाइप का होता है। पहला प्लेन एंड, जो इस टाइप का होता है जिसका एंड प्लेन होता है। थ्रेडेड, थ्रेडेड एंड, थ्रेडेड एंड इस टाइप का होता है जो इसका एंड थ्रेडेड होता है। तीसरा बेवल एंड, बेवल एंड जो इस प्रकार का होता है पाइप, जो इसका एंड बेवल होता है। चौथा स्पेशल, स्पेशल एंड, स्पेशल एंड दो टाइप का होता है, स्पीक सॉकेट और स्पीगॉट, जो टीआरपी और जीआरपी पाइप में होता है। पाइप लेंथ, पाइप लेंथ 1 इंच से 2 इंच तक 6 मीटर तक होता है। 2 इंच कुछ समय 11 से 12 मीटर तक का होता है। 3 इंच और उसके ऊपर 11 से 12 मीटर तक का आता है। पाइप जनरली 1 से 80 इंच तक उपलब्ध होता है। दोस्तों आई होप मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पाइपिंग से संबंधित किसी और चीज़ में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। बी केयरफुल एट वर्क प्लेस एंड टेक केयर।